पूरा है। मैंने कहा कि जो बॉन्ड निकले बॉन्ड, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, स्कैंडल है देश का, आजादी के बाद का सबसे बड़ा स्कैंडल ये है। 5,000 से अधिक के बॉन्ड किन से क्या सौदे किए गए, उनके बदले में क्या बॉन्ड लिए गए हैं, क्या छूट दी गई है देश की विदेशी कंपनियों को, किसी को नहीं मालूम है। इतना बड़ा गेम हुआ है और 90% ज्यादा बॉन्ड मिले हैं बीजेपी को मिले हैं, उससे वो खेल खेल रहे पूरे देश के अंदर, चुनाव लड़े लड़वा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और सारे जिलों में ऑफिस बना रहे हैं जमीन ले ले करके, कहाँ से पैसा आ रहा है, और बाकी पार्टियों ब्लॉक कर दिया। तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ कैसे रहेगी जब आप सभी पार्टियों के फंडिंग को ब्लॉक कर दो देश के अंदर, खाली बीजेपी के पास बॉन्ड आएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विरोध किया इसका लागू करते वक्त में, तब भी लागू किया गया। और तो और इसको मनी बिल के रूप में राज्यसभा में बहस नहीं हो, जो मनी बिल होता है उसकी बहस खाली लोकसभा में होती है, तो मनी बिल के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया और खाली लोकसभा में पास करवा दिया गया, वरना राज्यसभा में बहस होती इसकी, उसकी बजाय लोकसभा में बहस करके इसको पास करवा दिया गया, लागू करवा दिया गया। और तो और जो अभी खबर नहीं नहीं आई है, कल परसों प्रधानमंत्री के ऑफिस से जब सेक्रेटरी फाइनेंस ने मना कर दिया कि ये संभव नहीं है एक्स्ट्रा डेज देना, चुनाव आ रहे थे कर्नाटका के, उसके पहले मना कर दिया कि बार बार इसकी जो डेट फिक्स है उन्हीं डेट्स में ये बॉन्ड जारी होंगे। तो लिखित में आया कि नहीं, प्रधानमंत्री ऑफिस का आदेश है, तब जाके फाइनेंस सेक्रेटरी को और डेट बढ़ानी पड़ी है, एक्स्ट्रा डेट देना पड़े हैं।